नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे वर्ल्ड कप का 31वां T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेज नेपाल के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 15 जून को खेले जाने वाला है। 5 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा एरोंस वाला क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट इंडीज की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में यूनिक ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बना के चलें, कौन से खिलाड़ी को दोस्तों कैप्टन लगा के चलें, कौन सा खिलाड़ी हमारी टीम में वॉइस कैप्टन होना चाहिए, कितने ट्रंप प्लेयर दोस्तों यहां से हमें साउथ अफ्रीका की तरफ से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रंप कार्ड खिलाड़ी दोस्तों नेपाल की तरफ से देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए यूनिक ग्रैंड लीग टीम का, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों स्मॉल लीग टीम का, कितने ट्रंप दोस्तों दोनों टीमों से देखने को मिलेंगे और कौन कौन सा खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, तो ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखते चलना। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आने वाली लगातार अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। वेस्ट इंडीज की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग पिच है या फिर दोस्तों यहां पर बॉलिंग ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि पिच दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलेंगे, पिच के अकॉर्डिंग ही दोस्तों बैटिंग ऑर्डर पिक करके चलना है, तभी दोस्तों रैंक एक वाली ग्रैंड लीग टीम बनके तैयार होगी। उससे पहले दोस्तों एक बार पिच को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज के मैच के फिक्स कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन कौन से खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो पिच के बारे में बात करें, पिच दोस्तों यहां से बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 3 T20 मैचेज खेले गए हैं। जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला दोस्तों सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहां पर दोस्तों जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर लगभग 148 के करीब देखने को मिल सकता है। इस पिच पर दोस्तों सबसे जो खास बात है वो ये है कि स्पिनर्स को यहां पर काफी बढ़िया हेल्प मिलती है, यानी कि केशव महाराज दोस्तों आज के मैच का ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकता है। कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों यहां पर बनाया था बांग्लादेश की टीम ने 159 रन, सबसे कम स्कोर दोस्तों वेस्ट इंडीज का है ओनली 124 रन पे 9 विकेट। बोलिंग के बारे में बात करें, लास्ट के जो 3 मैचेस यहां पर खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को मिली है 14 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 26 विकेट मिली है, यानी कि दोस्तों स्पिनर्स आज के मैच में ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे, प्लस में दोस्तों यूनिक कैप्टन प्लस यूनिक वॉइस कैप्टनसी में देखने को मिल सकते हैं जो भी दोस्तों रैंक एक की ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे एक बार स्कोर है, 150-170 के बीच में 2 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला है और 190 से भी ऊपर दोस्तों यहां पर अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिला है। यानी कि दोस्तों पिच के कंडीशन के हिसाब से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों यहां पर स्पिनर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों रीसेंट मैचों के बारे में। रीसेंट में यहां पर जो T20 वर्ल्ड कप का एक मुकाबला खेला गया है बांग्लादेश वर्सेज नीदरलैंड के बीच में, इसमें दोस्तों स्पिनर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था 7 विकेट के साथ। पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने 159 रन का टारगेट रखा, चेस करती हुई टीम यहां पर नीदरलैंड की 138 रन पे दोस्तों 8 विकेट, जिसमें स्पिनर्स ने दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया 7 विकेट के साथ। पेसर्स की बात करें तो यहां पर दोस्तों 6 विकेट पेसर्स के द्वारा निकाली गई थी। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला खेला गया, यहां पर भी दोस्तों स्पिनर्स ने ही परफॉर्मेंस किया था 11 विकेट के साथ। पेसर्स की बात करें तो ओनली 4 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स के द्वारा मिली थी, यानी कि दोस्तों पिच के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर दोस्तों पेसर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों यूनिक ग्रैंड लीग टीम के कॉम्बिनेशन में स्पिनर्स दोस्तों आज के मैच के ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेंगे, प्लस में कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन स्पिनर्स के अकॉर्डिंग ट्राई करके चलना है। फिर दोस्तों वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला गया, 8 विकेट स्पिनर्स को और 4 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली थी। रीसेंट के मैचों के हिसाब से बात करें तो रीसेंट में दोस्तों एक ही मुकाबला यहां पर खेला गया है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें पहले बैटिंग करते हुए ने काफी अच्छा रिकॉर्ड किया था बांग्लादेश की टीम ने। पहले बैटिंग करते हुए 159 रन का टारगेट रखा, चेस करती हुई नीदरलैंड की टीम दोस्तों ये मुकाबला हार गई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का सबसे बेहतरीन फैंटेसी ऐप दोस्तों अगर हमें डाउनलोड करना पड़े तो कौन सा रहेगा, कौन सा एप्लीकेशन दोस्तों ऐसा है जिसपे इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिले। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आज ही दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको अदर फैंटेसी ऐप के मुकाबले बात करें एंट्री फीस की तो काफी हाई एंट्री फीस देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन की एंट्री फीस के बारे में बात करें तो बहुत ही लो एंट्री फीस है, विनिंग के दोस्तों
काफी अच्छे अच्छे चांसेस हैं। और यहां पर दोस्तों कंटिन्यू ओपिनियन भी चलते हैं, जैसे दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम नेपाल के सामने दोस्तों मैच को विन करके जाएगी, यस या फिर दोस्तों नो पे क्लिक करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ट्रेड करके दोस्तों यहां पर काफी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर लूडो के कॉम्पिटिशन भी चलते हैं, वहां पर भी दोस्तों काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप यहां पर ट्रेडिंग करते हो तो यहां पर दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन चलता है, क्या भारत दोस्तों T20 वर्ल्ड कप लीग 2024 विन करेगा, यस या फिर दोस्तों नो पे क्लिक करके 20 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों वेस्ट इंडीज का T20 वर्ल्ड कप लीग 2024 में विन करेगा, यहां पर भी दोस्तों यस या फिर नो पे क्लिक करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और यहां पर दोस्तों मैं कंटिन्यू इस एप्लीकेशन पे काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहा हूं, आप भी दोस्तों इस एप्लीकेशन पे जरूर खेलना स्टार्ट करें। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। और ये सभी ऑफर तो दोस्तों आपके तब एक्टिव होंगे अगर आपने मेरा जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने रेफर कोड लगा रखा है अगर आप वो यूज करते हो, वरना दोस्तों ये जो ऑफर है ये दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। हेड टू हेड में दोस्तों अभी तक दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला हेड टू हेड का खेला नहीं गया है। रिसेंट के मैचों के अकॉर्डिंग बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों कंटिन्यू 3 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस विन करके आ रही है। अगर बात करें दोस्तों नेपाल के बारे में तो नेपाल की टीम ने दोस्तों अभी तक एक ही मुकाबला खेला है और वो मैच दोस्तों ये टीम हार चुकी है। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी और इसी टीम से दोस्तों आपको कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों क्या फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से, कौन से खिलाड़ी को पिक करके चले, क्विंटन डिकोक इंपोर्टेंट है, हेंड्रिक्स इंपोर्टेंट है, या फिर दोस्तों एडन मार्करम को ट्राई करके चले, या फिर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में नोकिया इंपोर्टेंट है, या फिर यानसन को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी क्या फाइनल प्लेइंग 11 है। ओपनिंग बैट्समैन क्विंटन डिकोक, हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, हेनरिक कैलासन, डेविड मिलर और स्टब्स, उसके बाद दोस्तों मार्को यानसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, नोकिया और उसके बाद बैट्समैन, ये टोटल दोस्तों प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। अब बात करेंगे दोस्तों अगर यहां से साउथ अफ्रीका की टीम, वैसे तो दोस्तों सिंपल सी बात है परफॉर्मेंस करेगी बैटिंग प्लस बॉलिंग से, लेकिन दोस्तों कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन ट्राई करके चलें यूनिक जीएल टीम में, वो बात करेंगे दोस्तों इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से। सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिकोक के बारे में बात करें तो रिसेंट में दोस्तों 18 रन का परफॉर्मेंस किया, उसके बाद 0 रन, फिर 20 रन, 19 रन, 41 रन। आईपीएल के मैचों में भी दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। रिसेंट में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के यहां पर 3 मैचेस खेले हैं, 3 के 3 मुकाबलों में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप है, लेकिन विकेटकीपर ऑप्शन है, सामने दोस्तों कमजोर टीम देखने को मिलेगी तो शायद उस टीम के सामने दोस्तों इस खिलाड़ी का काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 31 का एवरेज स्कोर है। हेंड्रिक्स की बात करें तो ये भी दोस्तों कंटिन्यू फ्लॉप चल रहा है, 30 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच, 62 मुकाबले T20 फॉर्मेट के, 1800 दोस्तों 36 रन इस खिलाड़ी ने अभी तक बनाए हैं। इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे दोस्तों दोनों, क्योंकि यहां से दोस्तों लगभग साउथ अफ्रीका के नंबर 3 नंबर 4 तक के जो बैटिंग ऑर्डर हैं ये दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे नेपाल की टीम के सामने। बाकी दोस्तों यही खिलाड़ी मैच को भी विन करवा के लेके जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर एडन मार्करम, रिसेंट वाले मैच में 4 रन, फिर 12 रन, फिर 0 रन, 20 रन, 1 रन, 0 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों पहला मुकाबला है, ग्राउंड पे भी पहला मैच है, 10 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में, 35 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का अभी तक बैटिंग से है, टोटल 42 मुकाबले खेले हुए हैं, 1134 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। उसके साथ हेनरिक कैलासन, रिसेंट में 46, 4, फिर 19 रन नाबाद, 16 रन, फिर उसके बाद 50 रन। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मुकाबला, T20 फॉर्मेट में 23 का एवरेज स्कोर है। हेनरिक कैलासन की बात करें तो विकेट कीपर ऑप्शन है, हेनरिक कैलासन तक दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर पिक करके चलना पड़ेगा, बाकी के दो नीचे के दोस्तों जो खिलाड़ी हैं उनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो, जैसे डेविड मिलर, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर स्टब्स, इन दोनों खिलाड़ियों को अभी के लिए ड्रॉप करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों डेविड मिलर ने लगातार यहां पर परफॉर्मेंस किया हुआ है, एक मैच में 29 रन, एक मैच में 59 रन नाबाद, फिर यहां पर 6 रन नाबाद, 16 रन नाबाद, 30 रन, 34 का एवरेज को T20 फॉर्मेट में। अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका का जो ओपनिंग बैट्समैन लाइनअप है वो दोस्तों फ्लॉप होता है तो यहां से दोस्तों डेविड मिलर की तरफ से लगभग ट्रंप कार्ड खिलाड़ी जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। हेड टू हेड वेन्यू पे दोस्तों पहला मुकाबला है, उसके साथ स्टब्स की बात करें तो रिसेंट में फ्लॉप है, उसके बाद 33 रन, 13 रन, 57 रन नाबाद प्लस में, एक विकेट, उसके बाद दोस्तों 3 रन। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, T20 फॉर्मेट में 20 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों मैं स्टब्स को ड्रॉप ही करके चलूंगा, तो क्योंकि शायद ही दोस्तों इस खिलाड़ी की आपको बैटिंग देखने को मिलेगी।
उसके साथ दोस्तों यानसन की बात करें, रिसेंट में 5 रन नाबाद, उसके बाद 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 17 रन 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मुकाबला, 8 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में ट्राई करके चलना है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोस्तों ट्रंप प्लेयर की बात करें तो केशव महाराज को दोस्तों लेके चलना है, क्योंकि रिसेंट में दोस्तों 3 विकेट है, उसके बाद फ्लोप है, फिर कंटिन्यू 2-2 विकेट है, 29 विकेट T20 फॉर्मेट में, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है। केशव महाराज की बात करें पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों केशव महाराज काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा, प्लस में दोस्तों इस खिलाड़ी को यूनिक कैप्टनशिप में भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि स्पिनर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों पिच वर्क करेगी। और रीसेंट के मैच में भी दोस्तों यहां पर जो बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बीच में मुकाबला खेला गया था, उसमें भी दोस्तों यहां पर स्पिनर्स ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस किया था 7 विकेट के साथ। उसके साथ दोस्तों कगिशो रबाडा रीसेंट में 2 विकेट, फिर फ्लोप है, फिर 2 विकेट, फिर उसके बाद फिर से फ्लोप, 1 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मुकाबला, 62 विकेट T20 फॉर्मेट में। नोकिया दोस्तों कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके आ रहा है, 46 विकेट T20 फॉर्मेट में। सीवीसी में दोस्तों एक सेफ कैप्टन प्लस सेफ वॉइस कैप्टन दोस्तों यहां पर नोकिया को आप ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ दोस्तों बाथमैन रीसेंट वाले मैच में फ्लोप है, फिर 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, उसके बाद फिर से 1 विकेट, 8 विकेट T20 फॉर्मेट में। अगर दोस्तों इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग दोस्तों लो सिलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि रीसेंट में दोस्तों 0 विकेट के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया था, प्लस में ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए दोस्तों कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी में 2 ही खिलाड़ी आपकी टीम में ट्रंप प्लेयर देखने को मिल सकते हैं, एक तो दोस्तों बाथमैन, नंबर 2 पे केशव महाराज। अगर सेफ कैप्टनसी की तरफ जाना चाहते हो तो नोकिया को दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इनके जो स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन से खिलाड़ी बॉलिंग करवाएंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों यहां से यानसन, कगिशो रबाडा, बाथमैन, डेथ में दोस्तों केशव महाराज, बाथमैन, नोकिया और कगिशो रबाडा, ये 4 खिलाड़ी दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के 3 खिलाड़ी दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां से दोस्तों यानसन की बात करें, यानसन दोस्तों पहला ओवर लेके आएगा, दूसरा ओवर दोस्तों यहां से कगिशो रबाडा की तरफ से देखने को मिलेगा। तो शायद दोस्तों दोनों खिलाड़ियों में से यानसन की तरफ से अगर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो वो खिलाड़ी भी दोस्तों आपको यूनिक कैप्टनसी में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका के बेंच प्लेयरों के बारे में। टोटल दोस्तों इनके 4 बेंच प्लेयर हैं। पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों तरबेज शमसी खेल सकता है, रिसेंट में फ्लोप है, उसके बाद 1-1 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच, 78 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में है। ये दोस्तों फाइनली साउथ अफ्रीका के बेंच प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से सेकंड टीम से हमें कौन कौन सा खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगा, तो कौन से खिलाड़ी को दोस्तों हमें ट्राई करके चलना है, कौन सा खिलाड़ी दोस्तों हमारी टीम में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी का काम करेगा, कौन सा बॉलर दोस्तों सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा। नेपाल की तरफ से अगर दोस्तों बात करें तो नेपाल के ऑलराउंडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ऑलराउंडर पे फोकस करना, ऑलराउंडर को ही ट्राई करके चलना। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ओपनिंग बैट्समैन के बारे में। बुरथल, फिर यहां पर 7 रन, फिर बैटिंग नहीं 10 रन, 13 रन, 1 रन, 2 विकेट, 2 रन, 2 विकेट, 10 विकेट T20 फॉर्मेट में, 27 एवरेज स्कोर बैटिंग से है। लेकिन दोस्तों रिसेंट के मैच में इस खिलाड़ी ने बैटिंग से 7 रन का परफॉर्मेंस किया था, लेकिन एक भी ओवर दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो शायद ही दोस्तों यहां पर कुशाल बुरथल की तरफ से आपको 1-2 ओवर देखने को मिले, लेकिन दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन है। तो यहां से दोस्तों आसिफ रिसेंट में 4, 22, 51, 0, 5 और 23 एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो यहां से आसिफ की लगभग बैटिंग ऑर्डर से ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, विकेट कीपिंग ऑप्शन में दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों सामने देखने को मिलेंगे ओवर कगिशो रबाडा, प्लस में दोस्तों यहां से यानसन की तरफ से। तो दोनों में से दोस्तों एक खिलाड़ी की विकेट कन्फर्म आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अनिल कुमार रिसेंट में 11, 24, 58, 14, उसके बाद 1, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच, T20 फॉर्मेट में 17 का एवरेज स्कोर। रोहित कुमार रिसेंट में दोस्तों यहां पर 35 रन, फिर फ्लोप है, 0 रन, 82 रन, 71 रन नाबाद, 5 विकेट T20 फॉर्मेट में, 29 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी को दोस्तों आप ट्राई करके चल सकते हो। यहां से रोहित कुमार की तरफ से दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने अभी तक T20 के खेले हैं। टोटल दोस्तों 1,143 रन इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिले हैं। उसके साथ दोस्तों यहां पर कुशाल माला रिसेंट में 9 रन, 37 रन, फिर 37 रन नाबाद, उसके बाद 20 रन, 0 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच, T20 फॉर्मेट में 40 मैचेज, 28 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल दोस्तों 19 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली भी है। लेकिन दोस्तों रिसेंट के मैचों में इस खिलाड़ी की तरफ से भी बॉलिंग देखने को नहीं मिली है, तो शायद ही दोस्तों ये खिलाड़ी भी आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा। अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप ही करके चलना है। उसके साथ दोस्तों दीपेंद्र सिंह रिसेंट में 1 रन 1 विकेट, फिर 2 मैचों में बैटिंग नहीं है, 5 रन 0 विकेट, 19 रन, 3 रन 1 विकेट, बॉलिंग करवाएगा, ट्रंप कार्ड खिलाड़ी का काम करके दे सकता है। 65 मुकाबले T20 फॉर्मेट में, 38 विकेट है, बैटिंग दोस्तों काफी अच्छी है, 37 का एवरेज स्कोर है, ट्राई करके चलना है, और लगभग दोस्तों ट्रंप प्लेयर आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ दोस्तों गुलशन जहां रिसेंट में यहां पर 14 रन प्लस में 0 विकेट, 0 रन 1
एक विकेट, 19 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट, 21 विकेट T20 फॉर्मेट में, 23 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। केसी करन रिसेंट में 17 रन 0 विकेट, 5 रन नाबाद एक विकेट, 28 रन एक विकेट, 3 रन 0 विकेट, 90 विकेट दोस्तों T20 फॉर्मेट में। केसी करन दोस्तों ट्रंप प्लेयर है क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, 69 मुकाबले दोस्तों T20 में खेले हैं, 90 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिली है, एक्सपीरियंस दोस्तों बॉलर देखने को मिलेगा। और पिच के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर दोस्तों मैक्सिमम इस खिलाड़ी को लगभग 2 विकेट दोस्तों जरूर देखने को मिलेंगी और लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी देखने को मिलेगा, ट्रंप प्लेयर दोस्तों देखने को मिल सकता है। उसके साथ दोस्तों सोमपाल कामी रिसेंट में 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 3 विकेट 10 रन, फिर यहां से 3 विकेट, 59 विकेट T20 फॉर्मेट में, 11 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 66 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं। उसके साथ दोस्तों सागर रिसेंट में फ्लॉप है, फिर 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट T20 में, अभी तक दोस्तों इस खिलाड़ी को 1 ही विकेट मिली है, अभी के लिए मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलूंगा, लेकिन दोस्तों पिच के अकॉर्डिंग बात करें तो इस खिलाड़ी को भी दोस्तों 1 विकेट मिल सकती है। फिर दोस्तों यहां से फाइनल खिलाड़ी अभिनेश बोरा रिसेंट में 1 विकेट है, फिर यहां से 2 विकेट 1 विकेट फ्लॉप है, फिर 1 विकेट 75 विकेट T20 फॉर्मेट में, 60 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हैं। ये दोस्तों फाइनली आपको नेपाल के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर अभिनेश बोरा की बात करें तो ये खिलाड़ी दोस्तों परफॉर्मेंस कर सकता है 1 विकेट के साथ क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से स्टार्टिंग और डेथ में कौन कौन सा बॉलर बॉलिंग करवाएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों केसी करन, सोमपाल, गुलशन जहां, डेथ में दोस्तों अभिनेश बोरा, सोमपाल, सागर, ये तीन खिलाड़ी दोस्तों डेथ में ओवर करवाएंगे। ऊपर के तीन खिलाड़ी दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर करवाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे जो बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी वो संदीप लांबीछन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि रिसेंट में दोस्तों ये खिलाड़ी कंटिन्यू ड्रॉप है, लेकिन आज का मुकाबला दोस्तों खेल सकता है। अगर खेलता है तो दोस्तों मैच आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा क्योंकि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस है, T20 में दोस्तों इस खिलाड़ी का सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस है नेपाल की टीम की तरफ से, 52 मैचों में दोस्तों 98 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। संदीप अगर खेलता है तो VC में भी दोस्तों ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि यहां से दोस्तों परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी नेपाल की टीम बैटिंग प्लस बॉलिंग से क्योंकि बॉलिंग दोस्तों काफी बढ़िया है और यहां पर एक्सपीरियंस बॉलर दोस्तों देखने को मिलेंगे लगभग दोस्तों नेपाल की टीम की तरफ से। बात कर लेते हैं फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में, तो यानसन, केशव महाराज, गगिशोर अबाड़ा, नोकिया, रोहित, उसके साथ दीपेंद्रा, केसी करन, फिर सोमपाल, ट्रंप प्लेयर में दोस्तों क्विंटन डिकोक, बैट्समैन और यहां पर कुशाल माला, उसके साथ गुलशन जहां, ये चार खिलाड़ी दोस्तों लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी हैं। ऊपर के 8 खिलाड़ी जिनका हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां से बात करें ट्रंप प्लेयरों के बारे में तो ट्रंप प्लेयर दोस्तों यहां से क्विंटन डिकोक भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट करके देगा, प्लस में दोस्तों उस खिलाड़ी की ओपनिंग बैट्समैन के अकॉर्डिंग दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि पिच पे दोस्तों बैटिंग ठीक ठाक यहां पर देखने को मिल जाएगी क्योंकि रिसेंट में बांग्लादेश जैसी टीम ने भी दोस्तों 159 रन का टारगेट किया हुआ है। तो अभी तक दोस्तों अगर आपने रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है और इस एप्लीकेशन पे दोस्तों अभी तक आपने ट्रेड नहीं किया है और ये एप्लीकेशन दोस्तों काफी जबरदस्त एप्लीकेशन है क्योंकि अदर फैंटेसी के मुकाबले दोस्तों इस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें या फिर दोस्तों सेविंग के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि कितना बढ़िया दोस्तों यहां पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आज ही डाउनलोड कर लेना दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ही दोस्तों आपको मेरा रेफर कूपन जरूर मिल जाएगा, वहां पर जो भी मेरा रेफर कोड है वो दोस्तों यूज करना और इन सभी ऑफर का दोस्तों लाभ उठाना क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको सिंपल आंसर देके प्रॉफिट काफी बड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि 0% दोस्तों कॉम्पिटिशन है और फाइनल फैंटेसी टीम भी दोस्तों हमारी रियल 11 पे ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर दोस्तों मुझे क्या सबसे बढ़िया बात लगती है कि जो भी मैं टीम बनाता हूं लगभग दोस्तों हर मैच में प्रॉफिट करके लेके जा रही है। बात करें दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में तो विकेट कीपर दोस्तों 2 हैं, कैलासन, क्विंटन डिकोक, फिर यहां से रोहित, मिल्लर, उसके साथ दीपेंद्र, फिर यहां से दोस्तों वीसी में मैंने यानसन, बैट्समैन, केशव महाराज, कैप्टनसी में दोस्तों मेरा सेफ कैप्टन है, उसके साथ कगिशोर अबाड़ा, वॉइस कैप्टन में दोस्तों यहां पर मैंने रिस्क लिया है, सोमपाल को ट्राई किया हुआ है, केशव महाराज है, नोकिया है, रबाड़ा है, दीपेंद्रा है, यानसन है, रोहित है, हैंड्रिक्स, कैलासन है, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपको रेजा हैंड्रिक्स देखने को मिल जाएगा, क्विंटन डिकोक है, ये मेरी दोस्तों 2 फाइनल फैंटेसी टीमें देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस बॉलर की बात करें तो नेपाल की तरफ से लगभग दोस्तों 4 खिलाड़ी ड्रीम टीम में देखने को मिलेंगे। वो अपडेट आपको कहां पे मिलेगी? वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आज ही दोस्तों ज्वाइन कर लेना मेरा जो फाइनल टेलीग्राम चैनल पे जो भी फैंटेसी टीमें आती हैं क्योंकि वहां पर दोस्तों आपको ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग प्लस मिनी ग्रैंड लीग की टीमें बैक टू बैक मिल रही है। जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।